सबसे बड़ा धोखा हमारे बीसी साथियों के साथ ही किया। यहां की सरकार ने बीसी हितों की लगातार उपेक्षा की। तेलंगाना में इतनी बड़ी ओबीसी एससी एसटी आबादी है, लेकिन उनकी आकांक्षाओं पर बीआरएस ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो अपने परिवार में ही लगा रहा। यहां तो बीआरएस की दो टीमें तो साफ दिखती हैं, एक पर्दे के पीछे सी टीम भी है। ये कांग्रेस का सी है ना, ये सी बीआरएस की सी टीम है, ये कांग्रेस बीआरएस की सी टीम है। बैकवर्ड क्लास की आकांक्षाएं कांग्रेस के भी एजेंडे में शामिल नहीं है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों के ही डीएनए में तीन बातें कॉमन है। एक परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। इन परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार फलता है, फूलता है और अवसर भी सिर पर सिर्फ नाते रिश्तेदारों को ही मिलता है। परिवारवाद की मानसिकता से चलने वाली बीआरएस और कांग्रेस यहां कभी भी किसी बीसी को सीएम नहीं बनने देगी। साथियों, ये एनडीए है, बीजेपी है, जो ओबीसी हितों का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है, उन्हें सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है।